सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेन सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ एमपी बोर्ड के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के रिड्यूस्ड सिलेबस और नए ब्लूप्रिंट के बारे में, रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट जो है, ठीक। तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और ये इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो होने जा रहा है। हिंदी मीडियम के लिए मैं दो वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से तो उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं मेन रूप से बात करूँगा जो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें थोड़ा डाउट हो रहा है लोगों को, तो उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने पूरी बुक में टिक कर दिए हैं। मोस्ट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब ये एग्जाम में आना ही है, इनका मतलब ये है कि आपको इनको तो पढ़ना ही है, इनके अलावा आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग कमेंट करें, भैया तुमने तो पूरी किताब ही टिक कर दिया। हाँ यार, किताब में आप समझ लो एनसीईआरटी जो है उसमें गिने चुने तो क्वेश्चन ही हैं, तो जितने सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे उतना ही फायदा है। तो मेन जो हर साल आते थे और आने लायक हैं उनको मैंने टिक कर दिया और जो हटा दिए गए उनके बारे में, ठीक। तो ब्लू प्रिंट तो आप लोग को पता ही होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ। सो पहला यूनिट आता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन का, टोटल 6 मार्क्स का आना है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव 2 ठो आने हैं, 4 मार्कर 1 क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहाँ 5 नंबर टोटल आना है, 1 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, दोनों से एक एक 4 नंबर का आना है हमारा। फिर आता है हमारा एलजेब्रा, उसमें हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से टोटल 12 नंबर। देखो मैट्रिक्स हो गया और हमारी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया और समकलन यानी इंटीग्रल्स हो गया, इनसे ज़्यादा नंबर का हमें स्कोर करना है, ठीक। तो इससे हमारा 2 नंबर भी आना है और 4 नंबर भी आना है और एक 5 नंबर भी आना है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन आने हैं। सारणी यानी डिटर्मिनेंट से 8 नंबर का आना है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। और हमारा कैलकुलस में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ 12 नंबर का टोटल आना है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन। तो कहने का मतलब छोटा क्वेश्चन भी पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ना है। और अप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव्स में हमारा क्या है, 11 नंबर, ये भी कमज़ोर नहीं है, यहाँ 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं भैया। और हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट का, मतलब जो जो चैप्टर हटाया गया है उसका पीडीएफ मैंने बना के अपने चैनल में दे दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं और वहाँ से पूरा आप देख सकते हैं, ठीक। समाकलन से 16 नंबर का आना है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5 नंबर का एक हमेशा की तरह जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आता था। और से हमारा अप्लीकेशन से क्या आना है, 5 मार्कर 1 आना है। और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पहले नहीं आता था लेकिन अब आएगा 2 नंबर का, और 4 नंबर का हमारा 5 नंबर का हमारा बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक। लीनियर प्रोग्रामिंग से दोस्तों हमारा क्या आना है, 4 नंबर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक। प्रोबेबिलिटी फिक्स है भैया, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, ठीक। इस प्रकार हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट, इसमें हमने देख लिया क्या कैसा है। अब हम बात करते हैं अपने रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में, जो कम किया गया था और जो लोगों को डाउट है। तो हिंदी मीडियम के लिए पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। तो मैंने पूरा ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर रहें, ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है, तो वीडियो पूरा देखें, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए, तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ जो हटा दिया है। तो सबसे पहले चैप्टर में हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हटा दिया है हमारा, ठीक है ना, एंड इनवर्स फंक्शन, मतलब फॉग ऑफ वाले जो सवाल थे, जैसे इस टाइप के सवाल थे, ये पूरे हट गए हैं। आप पेज नंबर देख सकते हैं बुक में कहाँ पर क्या है, और ये पूरे आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत ही आराम होगा, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज हमारी पूरी हटा दी गई है, यहाँ से पूरा ये रिमूव है और आगे बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में है तो एग्जाम में आएगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से बस इतना ही हटा है। लास्ट में आप मिसलिनियस में देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हटे हैं, ठीक है ना। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 में आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन हमारे रिड्यूस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेम है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम लोग डाउट में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नया नया सिलेबस है। चैप्टर 2 में चलते हैं, तो क्या क्या हटा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 2 में बहुत लोग परेशान हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टीज़ था, सबसे पहले तो फालतू चीज़ ग्राफ हटा दी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। ये हटाया गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये रिड्यूस्ड किया गया है। लेकिन भैया मुझे है डाउट, देखो वी नाउ प्रूव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशन नॉट अबाउट द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6 तक हमारे ये फार्मूले दिए हैं, सारे के सारे फार्मूले। तो मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम में हटाया गया है वो यहाँ का डेरिवेशन हटाया गया है,
और कई लोग कह रहे हैं, कई टीचर्स कह रहे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपके ये पूरी एक्सरसाइज की ये जो क्वेश्चन से ये हटा दिए गए हैं। तो मुझे डाउट ये हो रहा है कि हमेशा जो चार नंबर का क्वेश्चन आता था इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड आता था, तो अगर इन्हें हटा देगा तो एग्ज़ाम में क्या आएगा हमारा, बात ये है। तो इसलिए मैंने इनको लिख दिया है रिड्यूस्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी हैं। तो एमपी बोर्ड में भी क्लियरली नहीं कहा गया, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस वाली पीडीएफ में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हटाई गई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं या फिर नहीं हटाए गए हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो आपको इन्हें पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं यार। अब बात आती, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मिसलिनियस से आ जाएगा, तो मिसलिनियस से वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले हैं, क्योंकि मिसलिनियस का मतलब यही होता है कि जो इतने सारे जो एक्सरसाइज हो चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मिसलिनियस से आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये वाले तो फिक्स हैं, मैंने टिक कर दिए सारे सारे क्वेश्चंस, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आप अब समझ सकते हैं। और हाँ, ये टॉपिक मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि हाँ डाउट में है सभी लोग। तो हटाई गई मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो सब ऑब्जेक्टिव हैं, ये चार नंबर में आने लायक ही नहीं है। और ब्लूप्रिंट के अनुसार इस चैप्टर से हमारे चार नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो चार नंबर का एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव वाले से आना नहीं है, आएगा तो वो बड़े क्वेश्चन ही, तो बड़े क्वेश्चन तो हमारे यहीं पर हैं भैया। तो इस प्रकार यहाँ से ये आपको पूरा पढ़ लेना। मैट्रिक्स में हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो जो हटाए गए, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो रुकिए, हाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सबसे पहला टॉपिक जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो ये एक क्वेश्चन हटा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कौन से हटाए गए ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे सिक्स्थ हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पर जो हटाए गए उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये बोला जा रहा है कि हटा दिया, ठीक। और ये आपको ब्लूप्रिंट में साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है क्या क्या हटा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, कॉन्सेप्ट हटाया गया है। तो लोग परेशान हैं कि हमारा इनवर्स फलन हटा दिया गया, मतलब जो इनवर्स निकालने के लिए आता था। तो मुझे नहीं लगता कि इनवर्स हटाया, क्योंकि ये देखो ये 3.7 अलग है, 3.8 अलग है, और यहाँ पर 3.9 हमारा अलग है, 3.8.1 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। Yes, elementary operations are used to find the inverse of a matrix. But here we cannot say that all the questions based on elementary operation are reduced. We can see that there are many important questions and they have been appeared in exams many times. But we have to study this time also because there are many questions and important questions. Whether they are reduced, but you have to study them. Okay? तो पढ़ना तो ज़रूरी ही है, भले ही हटा दिया गया है। अब यहाँ पर मैं सीधे लिख दिया कि नॉट सेड रिड्यूस्ड बट ऑपरेशंस रिड्यूस्ड, ये नहीं हटा है हमारा, हटा क्या है ये वाला हटा है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो बहुत लोग परेशान हैं कि भैया ये हटा दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुका है, तो आप पढ़ लीजिए, पढ़े रहोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं पढ़े रहोगे तो नुकसान तब होगा। अब वीडियो पूरा देखें, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं इसमें, ठीक। ये इसमें बस इतना ही हटाया गया था मेन रूप से, ठीक है। तो ये हटा दिया गया है, मतलब ये नहीं बोला गया है, देखो यहाँ पर ब्लूप्रिंट में कहीं ये नहीं बोला है कि आपको इनवर्स निकालना हटा दिया। कुछ लोग को डाउट होगा प्रूफ ऑफ द यूनिक्वेंस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम नंबर 3 ये रहा है ना, यूनिक्वेंस ऑफ इनवर्स, ये हटा दिया गया। तो थ्योरम नंबर की हम बात करते हैं, तो अगर हटा दिया गया है तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपोजिट और वाला अथवा वाला तो आपसे बन ही जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे तो पढ़ें चाहे तो ना पढ़ें, लेकिन मेरी राय है कि अगर पढ़े रहोगे दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर में डिटर्मिनेंट में, इसमें हमारे ये सब नहीं हटाया गया है, बात हो रही प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट टू एक्सरसाइज की बात हो रही, तो ये बोला यहाँ पर ये जा रहा है, जैसे डिटर्मिनेंट में आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, बोला ये जा रहा है कि हटा दिया, तो अगर हम इसको देखें हटा देगा तो 6 प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टी 1, 3, 4 एंड वेयर इज़ द 6 इज़ द, हाँ ये रही हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जब इनको हटा देगा तो इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन ही तो हैं चार नंबर के लाइक। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ दो चार क्वेश्चन इनके, मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर, ये हमारा डेल इक्वल टू दिया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, नहीं, इसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका मान निकालो, यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट, और ये 2019 या तो 20 में आ चुका है, ठीक। तो प्रूव करने को बोल रहा है देयर इज नो प्रॉपर्टी यूज्ड, आई नो द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट
क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि प्रॉपर्टी यूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर बोला है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14 सो दैट, मतलब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन हर साल आने वाले यहीं से आ रहे हैं, तो अगर आप इन्हें पढ़े रहेंगे दिक्कत नहीं आएगी, और ये तो जेई तक में आ चुका है, तो पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं आनी। हटा दिया गया है ऐसा बोल रहा है, तो आप पढ़ लीजिए, बस इतना क्लियर है, भले ही हटा दिया है तो पढ़ना हमें ज़रूरी है, ओके। और इस चैप्टर से हमारा क्या हटा दिया, और 3 नंबर के, अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन तो और कहीं से आएगा नहीं, यहीं से आएगा। अब ये सब हमारे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब माइनस एंड को फैक्टर में हम बात कर सकते हैं, हाँ यहाँ से आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इन्वर्स निकालेंगे, ये आया था 2020 में, आगे भी आएगा ही, अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया वी आई पी, ठीक। और ये हटा दिया गया हमारा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हटा दिया। जैसे इक्वेशन दिया होता था इससे हमें ए इनवर्स, ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी निकाल दे, ठीक, ये पूरा हटा दिया। तो 0.6 हमारा रिड्यूस्ड है पूरी तरह से, ठीक है, और मिसलेनियस में मैंने क्वेश्चन ठीक कर दिए। बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, तो कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएबिलिटी में कुछ भी नहीं हटा है शुरू से लास्ट तक में, सिर्फ लास्ट में एक तो चीज़ हटी है और वो है ये, ठीक है, रुक जा, हाँ ये रहा हमारा, ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम हटाएगी, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दिए, आप उन्हें देख सकते हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में थोड़े से तो क्वेश्चन ही हैं, अब उनमें भी क्या इंपॉर्टेंट ढूंढोगे यार। तो ये चैप्टर हटा दिया गया है, चैप्टर नहीं हटा दिया गया, मतलब ये पूरा हमारा थ्योरम हटा दिया गया, मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, और बाकी क्वेश्चन टिक हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें से हमारा पहले ही हटा दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब 0.6.1, मतलब जो 6.1 है पूरी तरह से हटा दिया गया है, पूरा एकदम आना ही नहीं है, जो पहले अच्छा क्वेश्चन आता था। हाँ, यहाँ से हमारे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, अवकलज के अनुप्रयोग से 3-3, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। हाँ, और आना क्या है वो आपको पता है, और एक टॉपिक हटाया गया है अप्रॉक्सीमेशन, और जो आना है वो मैंने अच्छे से टिक कर दिया है, मेन क्वेश्चन, उनको उनके अलावा आप चाहें तो ना पढ़ें, ठीक। अप्रॉक्सीमेशन हटा दिया, मतलब इसके बेस्ड जो एग्जांपल्स थे वो सब नहीं आने हैं, और एक्सरसाइज 6.4 पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है, और इसी पर बेस्ड मतलब मिसलिनियस में जो भी क्वेश्चन थे उनको मैंने टिक कर दिया, जो हटाए गए हैं फिलहाल कुछ नहीं हटाया, ठीक है, बस। और इतना था ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको पार्ट 2 के बारे में पूरा बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अपने जो डाउट्स थे आप लोग के वो मैंने अच्छे से समझा दिए हैं, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, आपको मैं अच्छे समझा दूंगा। और हाँ, इन क्वेश्चंस को आप पढ़े रहिए, अभी कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ऐसा है ही, अब यहाँ टॉपिक जरा सा बोल दिया, उस टॉपिक के अंतर्गत तो बहुत सारा है, अब खुद सोचो यार, अगर 2.2 हटा देगा तो एग्ज़ाम में क्या देगा, अब बोलोगे मिसलिनियस के क्वेश्चन देगा, तो मिसलिनियस में आके जो क्वेश्चन हैं वो तो बेस्ड हैं 2.2 के ही क्वेश्चंस पर ना, आखिर प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ही ना है ये, अब इसमें आखिर प्रॉपर्टी लगा रही है, आखिर क्या लगा रही है, ये क्या लगा रही है इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हो, तो अगर प्रॉपर्टी हटा देगा तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो 2.1 बस आएगा एग्जाम में, मतलब आगे तुम्हें पन्ना पलटाने की जरूरत नहीं, तो जब 2.1 आएगा तो इतना छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें 4 नंबर में देगा, इसलिए मुझे लगता है कि आएगा, बाकी मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि ये चीज़ हटा दी गई है, इसलिए डाउट है, तो इससे अच्छा आप पढ़ लो तो डाउट क्लियर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं अगले चैप्टर्स के बारे में, 7 से लेकर 13 तक के, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।